हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेखा चौबे रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे मूली और हरी मिर्च का अचार। तो आइए स्टार्ट करते हैं मूली और हरी मिर्च का अचार। मूली का अचार स्टार्ट करते हैं हम। तो उसके लिए मैंने 1/2 kg मूली लिया है और 50 g हरी मिर्च लिया है और ये सरसों का पाउडर है 2 चम्मच, 2 चम्मच कलौंजी, 2 चम्मच अजवाइन और 2 चम्मच लाल मिर्च, 1 से 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और ये मस्टर्ड ऑयल। तो हमें इतनी चीज़ों की ज़रूरत है। इसके लिए सबसे पहले हमें मूली लेना है और मूली को मैंने पहले से चॉप करके रखा है। ये देखिए इतना मोटा मोटा कट करना है कि हमें कैसे चॉप करना है। मैंने मूली को धो के और सुखा के ले लिया है। इसको अच्छी तरह से सुखा के ले लीजिएगा। इसको ऐसे कट करना है। अब मूली का साइज थोड़ा मोटा रखना है क्योंकि ये जब गलता है तो फिर वो खिंचा खिंचा सा हो जाता है, इसलिए इतना मोटा साइज रखना है। तो ऐसे हम सारे अपनी मूली को कट कर लेंगे। अगर ये मूली ज़्यादा चौड़ा जब लगता है तो इसको हम बीच से ऐसे कट कर देंगे, ऐसे ये 2 पीस में डिवाइड हो जाएंगे। अब मैं मिर्च को कट कर देती हूँ और लाल मिर्च और हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ज्यादा और कम कर सकते हैं। ये छोटे छोटे पीस में रखने हैं। अगर आपका मन हो तो आप इसको ऐसे भी चीरा लगा के डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ मिर्च और मूली को कट कर लिया। अब हम इसमें सबसे पहले नमक मिलाएंगे। मैंने इसमें 2.5 स्पून नमक डाल दिया। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन किसी भी अचार में नमक थोड़ा ज़्यादा डालते हैं जिससे वो अचार ख़राब नहीं होता है। मुझे लग रहा है 1/2 स्पून और नमक डलेगा इसमें। मैंने इसमें 3 स्पून नमक डाल दिया। अब इसमें मैंने 1.5 स्पून हल्दी डाला, इसको मिक्स कर दिया, धूप में रख देंगे। चलिए इसको 1 घंटे सनलाइट में रख देते हैं। चलिए फिर सनलाइट में रखते हैं। तो ये देखिए 1 घंटे हो गया धूप में। ये नमक से देखिए पानी निकलने लगा है। अब हम इसको ले चलेंगे आगे के प्रोसेस के लिए। तो चलिए चलते हैं। अब इसमें मैंने 2 स्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। ये आप देख रहे हैं मैंने 2 स्पून सरसों का पाउडर, 2 स्पून अजवाइन का पाउडर, और कलौंजी सबको डाल दिया और फिर हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें हम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। ये देखिए 1, 2, 3 मैंने 5 स्पून इतने बड़े सर्विंग स्पून से मैंने 5 स्पून ऑयल डाला है। आप चाहें तो ऑयल भी आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा पिकल रेडी हो गया। अब हमको फिर से इसको 1 घंटे की धूप दिखानी है। और हाँ, जो मूली का हल्का हल्का स्मेल आने लगता है, उस स्मेल से बचने के लिए इसमें हम 1/2 नींबू अगर निचोड़ देते हैं तो स्मेल नहीं आएगी और ये नींबू जो हमारा अचार है ये लंबे समय तक रहता है। इसमें हम
हाफ लेमन, दो टेबल स्पून हम इसमें लेमन जूस डाल देंगे। इससे जो मूली की गंदी स्मेल नहीं आएगी। ये देखिए हमारा अचार कितना टेस्टी अचार रेडी हो गया। अब इसको हम फिर से एक घंटे की धूप में रख देंगे, फिर ये खाने के लिए रेडी हो जाएगा। मैंने इसको एक घंटे के लिए धूप में रख दिया है। और आप इसको बस एक घंटे के बाद आप खा सकते हैं, खाने के लिए रेडी है। लेकिन कल से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो एक घंटा हो गया, अब इसको हम ले जाकर जार में रख सकते हैं। ये देखिए मैं जार लेकर आ गई हूँ मैं यहीं, और जार को मैंने धो के अच्छे से धूप में रख लिया है कि जार में भी अच्छी धूप लग जाए, जिससे हमारा अचार खराब नहीं हो सकता है। तो आप इस अचार को इजिली 15-20 डेज तक खा सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। बस आप इसको पानी के स्पून से या पानी के हाथ से टच मत करना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।